हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे फायरफॉक्स बैड एटीट्यूड 8 मॉडल का। और मैंने ये जो बाईसाइकिल है ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है ड्यूरिंग दशहरा बिग डे सेल में, और मुझे ये साइकिल मिल गई है आफ्टर अप्लाइंग द ICICI क्रेडिट कार्ड 9,900 रुपीज़ का। तो मुझे ये डिलीवर हो चुकी है। ये जैसा कि मैंने दिखाया, बॉक्स को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको साइकिल दिखाई देगी, और ये फुल वन पीस में रहती है, बंधी हुई होती है। तो इसे अंदर काटे नहीं, सिर्फ आप इसको एक साथ दोनों हाथों से पकड़ के निकाल दीजिए। इससे पहले इसका एक टूल बॉक्स है उसको निकालिए, और सीट है उसको निकालिए, फिर आराम से दोनों हाथों को से इसको पकड़ के एक हाथ से बॉक्स को आराम से निकाल लीजिए। 10-12 केजी का ही साइकिल है, ज़्यादा भारी नहीं है। उसके बाद कंफर्टेबली एक जगह पे हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद छोटा सा सीजर या कुछ और कटर वगैरह की हेल्प से इसको मेन व्हील को नोज़ व्हील को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इस साइकिल में ये अच्छा है कि स्टैंड इसके साथ दिया गया है। नॉर्मली साइकिल में अलग से लगाना पड़ता है, लेकिन फायरफॉक्स के इस मॉडल में बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टैंड है। इसको लगाने के बाद इसे एक प्लेस पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद जो बाकी का हमारा पेपर वगैरह लगा है इसको हम निकाल लेते हैं। वैसे इस रेंज में अगर आप साइकिल चेक करेंगे तो 10,000 बिलो 10,000 में फायरफॉक्स से काफ़ी अच्छी कॉस्ट है। आप भी फ्लिपकार्ट से इसको मंगा सकते हैं। और पहले इसको इसलिए डाला क्योंकि काफ़ी कम वीडियो अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन साइकिलिंग रिसीव और उसके बाद अनबॉक्सिंग की हैं, तो मुझे खुद नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने इसका निर्णय लिया इसको अनबॉक्स करके और असेंबल करके दोबारा डालने के लिए। तो इस तरह से आप इसके हैंडल को निकाल लेंगे। हैंडल को निकालने के बाद कुछ वायर्स हैं वो थोड़ा उलझे हुए से दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा देखने के बाद वो आ जाएंगे। हैंडल को हमें तुरंत 180 डिग्री पे टर्न करना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया है। ये ऐसे कैसे लग जाएगा, इसको धीरे धीरे हम टर्न करके और असेंबल करेंगे। इसके साथ हमें एक टूल बॉक्स और मिलता है। टूल बॉक्स में इसका वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन पैड है, साथ में दो पैडल्स है लेफ्ट राइट के, दोनों पे लिखा हुआ है। और ये एक स्पैनर है अलग से, स्पैनर को हम खोल लेते हैं। स्पैनर को खोलने के बाद इसमें हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको ओपन किया तो एक ये मल्टी स्पैनर है जिससे हमारी सीट एडजस्ट और व्हील टाइट हो जाएंगे। साथ में 3 एलन की हैं अलग अलग साइज़ की, जो कि असेंबल करने हमारी मदद करने वाली है। और एक रियर रिफ्लेक्टर है, और साथ में ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो हम अगले व्हील में लगाएंगे ताकि व्हील तेज़ स्पीड में चलने बाद खुले नहीं। पिछला टायर और गियर ऑलरेडी एडजस्ट होके आते हैं, हमें सिर्फ आगे वाले व्हील को लगाना है और हैंडल को लगाना है। हैंडल को लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई इसमें। मेन व्हील में थोड़ा प्रॉब्लम आया क्योंकि मेन व्हील को एडजस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसको सेंटर पोजीशन में आपको हेल्प के लिए एक दूसरा बंदा चाहिएगा जो कि उसको रख के एक बार दबाना पड़ता है और बोल्ट को टाइट करना पड़ता है। स्टीयरिंग के लिए एलन की से साइड से इसको लूज़ कर लेंगे, उसके बाद जैसा वीडियो में दिखाया है उसके ऊपर से डाल देंगे। वो डालने के बाद एज पर डायरेक्शन इट शुड बी स्ट्रेट एंड एज़ पर योर हाइट आप इसे टाइट कर लेंगे। जब आपका साइड से टाइट हो जाएगा तो ऊपर ना निकले उसके लिए एलन की से इसको हम टाइट कर लेंगे। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि ऑनलाइन पता नहीं साइकिल कैसी आएगी, रिव्यू भी काफ़ी दिए गए थे इस साइकिल के, लेकिन ओवरऑल इस बजट में ये काफ़ी साइकिल अच्छी है। और इसका मैंने टेस्ट ड्राइव भी किया चलाने के बाद, थोड़ा सा हाइट वाइज थोड़ा सा इशू है क्योंकि लगता है हमें स्टीयरिंग थोड़ा छोटा है। आफ्टर ऑल साइकिल असेंबल हो गई है, थोड़ा स्टीयरिंग में प्रॉब्लम था। इसके अंदर ये लूज़ करके हम हैंडल की डायरेक्शन दे सकते हैं। ब्रेक स्टार्टिंग से ही लूज़ था, यहाँ से इसको लूज़ करके और दोबारा से टाइट किया गया है।
ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन लगाया गया है, ये इसको नट को बाहर ना निकले उसके लिए रोकने के लिए लगाया गया है। और गियर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट है वो बिल्कुल ओके है, टायर काफ़ी पतले हैं मेरे हिसाब से, मतलब इसको स्पीड काफ़ी मिलनी चाहिए। दिखने में टायर का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन अब चला के देखते हैं। और अभी मिकी आ गई है, मिकी इसका नई साइकिल है, इसका उद्घाटन कर रही है, टीका लगा दिया गया है और हमने रूम पे इसको असेंबल किया है। अभी हम जा रहे हैं इसकी टेस्ट ड्राइविंग के लिए। नाउ साइकिल इज रेडी। दुर्गा जी का दिन है, आज अष्टमी, अष्टमी के दिन हमें साइकिल डिलीवर हो गई है। नाउ मिकी, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट ड्राइव? यस।